दुनिया भर के कई लोग बिल गेट्स को अपना आदर्श मानते हैं। आप भी बिल गेट्स की तरह सफल बिजनेसमैन या धनी बनना चाहते हैं? तो आज की इस वीडियो में उनकी सफलता के मूल मंत्र हम आपको बताने वाले हैं। दुनिया में हर इंसान सफल और धनवान बनना चाहता है, लेकिन करियर और कारोबारी की दुनिया में आपकी मेहनत और अलग सोच ही मुकाम तक पहुंचा सकती है। दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने सफलता प्राप्त कर अपनी अलग पहचान बनाई और दूसरों के लिए उदाहरण बने। इन्हीं में से एक है बिल गेट्स। दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति, माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर और सफल बिजनेसमैन बिल गेट्स किसी पहचान के मोहताज नहीं। सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए लोग कैरियर और कारोबारी के क्षेत्र में बिल गेट्स से प्रेरणा लेते हैं। कई सालों तक लगातार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में बिल गेट्स का नाम शामिल रहा। वह खुद को टेक्नोक्रेट कहते हैं और तकनीक के जरिए दुनिया को बेहतर बनाने में विश्वास रखते हैं। बिल गेट्स सिर्फ 13 साल के थे जब उन्होंने कंप्यूटर के साथ काम करना शुरू किया था। सफल होने के लिए बिल गेट्स से काफी कुछ सीखा जा सकता है। अगर आप भी जीवन में अमीर बनना चाहते हैं या कारोबारी दुनिया में अपना परचम लहराना चाहते हैं, तो बिल गेट्स की सफलता के इन मंत्रों को जरूर जान लें। बेहतर टीम का चुनाव। बिल गेट्स के अनुसार काम में कई तरह की चुनौतियां आती हैं। इससे निपटने के लिए आपको विविधताओं वाली टीम का चुनाव करना चाहिए। ऐसी टीम जिसमें अलग अलग स्किल हो। समय का इंतजार ना करें। बिल गेट्स का मानना है कि किसी भी काम को करने के लिए उसे कल के भरोसे ना छोड़ें। किसी काम को दूसरे दिन पर छोड़ने से काम कभी पूरा नहीं होगा, इसीलिए संभव हो तो उसी वक्त उस काम को कर डालें। ना कहना भी है जरूरी। बिल गेट्स का कहना है कि जीवन में आपके सामने कई मौके आएंगे, लेकिन आपको सभी चीजों या कामों को हाँ ही नहीं बोलना है। कुछ चीजों का ना बोलना भी सीखें, और जो आपके लिए जरूरी है केवल उसी के लिए अपना कीमती समय निकालें। लेकिन इसके लिए पहले आपको ये सीखने की जरूरत है कि किन चीजों का कब ना कहने की जरूरत है। बिल गेट्स कहते हैं यह सलाह उन्हें वॉरेन बफेट से मिली थी। बिल गेट्स हॉगवर्ड में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन पढ़ाई छोड़कर उन्होंने बिजनेस की ओर रुख किया। इसीलिए उनका मानना है कि जीवन में कभी कभी रिस्क लेना जरूरी हो जाता है, लेकिन खुद पर और अपने विजन पर भरोसा बनाए रखें।